फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अन्वेषा क्रिएटिविटी। और आज का वीडियो बहुत ही खास वीडियो है, क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और रिक्वेस्ट भी काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी बार की मुझसे कि उनके एक प्लांट के बारे में आज मैं शेयर कर रही हूँ। उनके उस प्लांट में बहुत ज़्यादा पत्ते मुड़ रहे हैं या मतलब अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, और आज मैं आपके साथ में उस प्लांट का एक ऐसा फर्टिलाइज़र भी शेयर करूँगी कि जिससे आपके प्लांट में अगर पत्ते मुड़ रहे हैं तो वो तो ठीक हो ही जाएंगे, साथ ही साथ आपके प्लांट की जो ग्रोथ है, जो बढ़त है, वो थोड़ी जल्दी होगी। और आपका प्लांट अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से लंबा हो, यानी कि बढ़े, ग्रोथ उसकी अच्छी हो, तो उसके लिए आपको उस फर्टिलाइज़र का 15 दिन में एक बार इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और फर्टिलाइज़र भी ऐसा है जो आपको बाहर से नहीं खरीदना होगा, आप सभी के किचन में मौजूद है, लेकिन उसको कितना, उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं बताऊँगी, साथ ही साथ उस पौधे की केयर किस तरीके से करनी है वो भी बताऊंगी। तो बता देती हूँ और दिखा देती हूँ आपको कौन सा पौधा है वो, और वो है ये पौधा वॉन्ड्रिंग ज्यू, यानी कि जेबरीना। और जेबरीना ये इस तरीके का पर्पल और ग्रीन कलर के पत्तों वाला प्लांट होता है, और बहुत ही ज़्यादा, थोड़ी सी इसमें शाइनिंग भी होती है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट लगता है और ईजी टू ग्रो प्लांट है। वैसे तो इसकी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर आप थोड़ी सी नज़रअंदाज कर देंगे तो आपका ये प्लांट जो है वो पत्ते भी मुड़ेंगे उसके, और प्लांट की जो सूख जाते हैं ना पत्ते, आप देखेंगे नीचे नीचे से पत्ते सूखने लगेंगे और ऊपर ऊपर से गल जाएंगे, तो इस टाइप की परेशानी होने लगती है। तो वो सबसे क्या कारण है, वो कारण है ओवर वाटरिंग। आप अगर पौधे में रोज़ पानी देते हैं, अगर आपने हैंगिंग बास्केट में लगाया है या फिर गमले में लगाया है, जैसे भी लगाया है, लेकिन अगर आपने उस पौधे में रोज़ पानी दिया है तो आपका पौधा जो है वो सड़ जाएगा और धीरे धीरे करके पत्तियाँ मुड़नी शुरू हो जाएंगी और वो पौधा गलना शुरू हो जाएगा और उसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी, क्योंकि एक ऐसा पौधा है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। पानी हमेशा आप चेक करके ही दें इसमें कि आपकी, इसका तरीका क्या है। जैसे आपने मिट्टी में ऐसे करके हाथ लगाया और अगर मिट्टी आपके हाथ पे चिपक रही है, इसका मतलब ये कि इसमें अभी पानी की ज़रूरत नहीं है, यानी कि पानी ठीक है। इसके अलावा अगर आपने हाथ लगा करके देखा मिट्टी जम गई है, पत्थर जैसी हो गई है, तो पहली चीज़ तो उसमें गुड़ाई करें, गुड़ाई यानी कि डिगिंग जो होती है वो करें। कभी भी आपके पौधे की, गमले की मिट्टी इस तरह की नहीं होनी चाहिए पत्थर जैसी, क्योंकि पत्थर जैसी मिट्टी अगर आपके छूने से नहीं टूट रही है तो उसमें पौधे की जड़ें कैसे पनप सकती हैं, यानी कि जब जड़ें ही नहीं पनपेंगी तो फिर ग्रोथ भी नहीं होगी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आपके गमले में मिट्टी जो है वो पोरस होनी चाहिए, यानी कि अगर आप हाथ से उठाएं तो वो मिट्टी उठनी चाहिए। इस तरीके की मिट्टी आपके गमले में हमेशा बनी रहनी चाहिए, जो कि आपके पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। इस तरह की मिट्टी होगी तो ही पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मैंने पानी की बात कर दी है, दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके वॉन्ड्रिंग ज्यू में कुछ पत्ते पीले हो रहे हैं या सड़े गले हैं, जैसे कि मुझे भी अभी दिखा है इस टाइप का, ये ओवर वाटरिंग की वजह से हो जाता है, ये देखिए। और इस टाइप के पत्ते अगर आप कटिंग से लगाएंगे तो वो भी कटिंग ग्रोथ करने में प्रॉब्लम होगी। और अगर आपके पौधे में भी पत्ते इस तरीके के हो गए हैं तो आप क्या करें, ये जो जहाँ से डेड हो गया है पत्ता, ये देखिए ये जो लेंथ है, इसको तोड़ दीजिए और अब ये इतना वाला जो रह गया है इसको आप दोबारा से लगा सकते हैं, तो ये आपका फिर से ग्रो हो जाएगा। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। तो एक तो इसको शेड में रखें तो आपका प्लांट अच्छे से चलता रहेगा, साथ ही साथ डायरेक्ट धूप में ना रखें इसको, हाँ छनके या ग्रीन नेट के नीचे अगर आपने रखा हुआ है जहाँ पे हल्की फुल्की सी धूप आती है तब ये ठीक से चलेगा। इसको आप अपनी विंडो खिड़की पर वगैरह पे भी लगा सकते हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको वो फर्टिलाइज़र। तो ये है वो फर्टिलाइज़र जिसका आप रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 15 दिन में एक बार करेंगे अपने वॉन्ड्रिंग ज्यू यानी कि जेबरीना में। अगर इसका इस्तेमाल करेंगे 15 दिन में एक बार तो ये आपके जो पत्ते मुड़ने की प्रॉब्लम है इससे ठीक हो जाएगी, साथ ही साथ आपके जो वॉन्ड्रिंग ज्यू की ग्रोथ जो है वो भी अच्छी करेगा। और ये क्या है फर्टिलाइज़र मैं बता देती हूँ, ये है हमारे किचन वेस्ट से निकली चाय की पत्ती, यानी कि जो हम चाय बनाने के बाद में पत्ती को फेंक दिया करते हैं ना, वो वाली पत्ती को आपने क्या करना है, चाय बनाई
छन्नी में जो पत्ती होती है उसको अच्छे से वॉश कर ले 2-3 बार पानी से, जिससे कि इसके अंदर का जो मीठा है वो निकल जाए। और इसको आप सुखा करके स्टोर करके रख लें, चाहे तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो आप जैसे छान करके डायरेक्ट भी इसमें डाल सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर डालेंगे छानने के बाद में, धोने के बाद में, तो इसमें फंगस लगने का, मिट्टी में फंगस लगने का डर होता है, क्योंकि इसमें कई बारी अदरक इलायची वगैरह भी होती है हमारी चाय की पत्ती में। तो जब तक वो अच्छे से सूख नहीं जाएगी तब तक आप इसको पौधों में ना डालें। और अगर आपकी चाय की पत्ती में अदरक इलायची भी मिक्स है तो कोई बात नहीं, उसको अच्छे से छान लीजिए, सुखा लीजिए धो के, और फिर उसको इस्तेमाल कर दें। और अगर इसको रेगुलर बेसिस पे अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके वॉन्डरिंग जीव में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और मैं तो इसमें भी करती हूँ अपने प्लांट में, तो इस तरीके से आप इसमें 15-15 दिन में एक बार आप इसमें 1-2 चम्मच जो चाय की पत्ती है उसको डालते रहें। और इसको बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी डालने के साथ ही ये डिज़ोल्व हो जाती है और कुछ दिनों में इसका कंपोस्ट अच्छे से हो जाएगी। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर से कर दे। जल्दी मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।